गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बीमारी हमारे पेट में है और दवाई दुकान में है, तो आप अपने बीमार पेट को लेकर के दवाई के दुकान में जाके खड़े हो जाओ तो उससे बीमारी सुधरेगी नहीं। उसी प्रकार से ये जो संसार की बीमारी है, संसार सागर भवरोग, ये हमारे मन में है। तो जब तक के गुरु महाराज हमारे मन में अवतरित नहीं होते, तब तक के हमारे भवसागर की बीमारी नहीं बदलेगी। इसलिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, इन शब्दों के साथ यदि अपने हृदय में गुरु महाराज का अवतरण हुआ तो जाकर के हमारे भवसागर का रोग ठीक होगा। नहीं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा क्या फर्क पड़ता है। इसलिए महाराज प्रत्येक शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट होना है। जब शब्दों का अर्थ हृदय में प्रकट होता है तब जाकर के राम नाम का रस जिह्वा पर आ जाता है। तो यहां कहते हैं सातवां अभंग ले रहे हैं आज। उसके पहले तुकाराम महाराज ने हमको कहा था न कळे तो देव सत्संगा वाचुनी वासना जाळुनी शुद्ध करा। भगवान के बारे में जानकारी जाना है मिलना है तो केवल सत्संग में ही मिल सकती है, पुस्तकों में नहीं मिल सकती। पुस्तकों में कन्फ्यूजन मिलेगा, सत्संग में परमात्मा मिलेगा। क्योंकि पुस्तकों में पढ़ो तो आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेगी कि बड़ा कन्फ्यूजन होगा क्या करे। भगवान का नाम लेवे पांडुरंग का या अपने कुल देवता को बुलावे, कन्फ्यूजन। एक बार एक अम्मा हमको मिली, उसने कहा स्वामी जी शादी के बाद मैं बहुत परेशान हूं। हमने कहा कोई नई बात बताओ, ये तो आम बात है शादी के बाद परेशान हो, सभी होते हैं, शादी का नाम ही परेशानी है। ने आप हमको कुछ उपदेश करो। हमने कहा उपदेश करते शादी के पहले, शादी के बाद तो प्रार्थना ही कर सकते कि भगवान बचाओ बचाओ। बोले स्वामी जी आप हमारे मजाक ने मत उड़ाओ, सीरियस प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम यह है कि हम हैं भगवान कृष्ण के भगत और हमारे घर में पूजा होती है नव दुर्गा की। अब क्या करूं मैं, बड़ा कन्फ्यूजन है। घर वाले कहते हैं कि देखो ये नव दुर्गा अपनी कुल देवता है और मेरे दिमाग में नव दुर्गा आज तक कभी आई नहीं, हमेशा बचपन से कन्हैया लाल खेल रहे। अब कन्फ्यूजन हो रहा, अब कुलदेवता को पकड़ूं या भगवान कृष्ण को पकड़ूं, क्या करूं? हमने कहा देखो पहली बात ये कन्फ्यूजन छोड़ो, जितना तुमने झूठ मूठ कन्हैया को पकड़ा है उतना ही झूठ मूठ कुलदेवता को पकड़ो। देखो यदि तुमने कन्हैया को सिंसियरली पकड़ा होता तो ये प्रश्न मन में नहीं आता। इसलिए न कळे तो देव सत्संगा वाचुनी, तो भगवान क्या है, उसकी भक्ति क्या है,
ये सत्संग की सिवा बात समझ में नहीं आती। और वासना जाड़ोनी शुद्ध करा, हमारे अंतकरण में जब तक के जगत के प्रति प्रेम आकर्षण आसक्ति है तब तक हमारे हृदय में गंदगी है, गार्बेज है। और जिस दिन हमारे हृदय में जगत के प्रति उदासीनता आएगी, उदासीनता मतलब फ्रस्ट्रेटेड, बड़ा भयानक जगत है कि उदासीन हो गए, उसका अर्थ उदासीन नहीं है। उदासीन का तात्पर्य है उत माने ऊपर, आसीन माने बैठे। जैसे आप लोगों की अपेक्षा हम उदासीन हैं, आपसे ऊपर बैठे हैं, इसी प्रकार से ये जगत ऐसा ही रहा, इसमें ज्यादा दिमाग को खराब मत करना, चल रहा ठीक चल रहा, अपने मन को खराब मत करो। जो व्यक्ति दुनिया को लेकर के अपने मन को खराब करता है वो बेवकूफ होता है। तो वासना जाड़ोनी शुद्ध करा, तो ये जो दुनियादारी की विचार मन में आते हैं ना उसको जला डालो और फिर अपने मन को शुद्ध करो प्रेम से, आनंद से। अच्छा, शुद्ध करा मन भारे देहातीत, ओळखा वस्तु ते तुकावणे। यदि मन हमारा शुद्ध हुआ तो उसका क्या लक्षण है? शुद्ध मन का लक्षण यह है कि शुद्ध मन अपने देह के आकार में नहीं फंसा रहता। ध्यान से सुनना, बड़ी मैं सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं। जितने ध्यान से हम किसी की चुगली सुनते हैं उससे 10 गुना। देखो, समझो किसी के बारे में आपको, देखो मुझे उनके बारे में आपको कुछ कहना है, लेकिन ऐसा करेंगे सत्संग की बात कहेंगे, पूरे सत्संग में एक क्षण मन नहीं लगेगा क्या कहूं। ये जो एकाग्रता आती है ना, उससे हजार एकाग्रता से इसको सुनो। देखो, परमात्मा की अभिव्यक्ति हम में चैतन्य रूप से होती है, और केवल चैतन्य रूप से अभिव्यक्ति होने से जीवन नहीं होता, मुर्दे में भी चैतन्य होता है। देखो, नहीं तो वो सड़ता कैसे? मुर्दा जब सड़ता है तो उसमें कोई ना कोई प्रक्रिया हो रही है, तो चैतन्य है उसमें। तो केवल चैतन्य होने से सब कुछ नहीं होता, आगे जाकर के चैतन्य की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, एक अंतर्यामी मन के रूप में और एक बहिर आकार के रूप में। तो जब चैतन्य की अभिव्यक्ति अंतर्यामी मन के रूप में और बाहर के आकार के रूप में होती है, तब जाकर के व्यक्तित्व का जन्म होता है। अब मन को शुद्ध करना माने क्या? हमारा मन हमारे देह के आकार में ऐसा फंस गया है कि उसी आकार को सत्य मान करके बाकी सभी आकार को गलत मानता है, और इसी आकार के कारण भेद निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, हम सब में जो अनेकता है, मैं इस माइक से भिन्न हूं, माइक उस कुर्सी से भिन्न है, कुर्सी आपसे भिन्न है, आप उनसे भिन्न है, ये जो अनेकता आ गई है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है, हम सबके कोई ना कोई आकार है। जहां आकार समाप्त हो गया वहां भेद समाप्त हो गया, जहां आकार समाप्त हो गया वहां विकार समाप्त हो गया। और इसलिए जब कहते तुकाराम महाराज, शुद्ध करा मन भारे देहातीत, अपने मन को शुद्ध करने का तात्पर्य है देहात्म भाव से ऊपर उठो। और यदि हम देहात्म भाव से ऊपर उठे तो उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण है कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी हो तो जैसे हो तरे। साधु का लक्षण ये है, जब कोई उनकी निंदा करते तो कहते कि अरे बड़ी, वो तो बड़े अच्छे है हमारी निंदा कर रहे। कैसे? बोले ये वो यदि हमारे देह की निंदा करते हैं तो वो तो हम भी करते हैं। देखो, अत्यंत मलिनो देह, देह अत्यंत मलिन है,
इसमें एक भी ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर के आदमी को अभिमान हो सकता है। अब देखो अपने देह से क्या क्या निकलता है पब्लिक में कह के दिखाओ, एक भी ऐसी वस्तु नहीं निकलती कि जिसको लेकर के हम लोगों के सामने बड़े उन्माद से कह सके। मालूम है सुबह सुबह मेरे से क्या निकलता है? राम कृष्ण हरि। देखो तो यदि कोई हमारे देह की निंदा करता है तो वो तो हम भी करते हैं, तो उसमें क्या बुरा मानना है? और यदि वो हमारे आत्मस्वरूप की निंदा करता है तो वो अपनी ही निंदा कर रहा है, क्योंकि उसका और हमारा आत्मा दो थोड़ी एक ही तो है। देखो कैसी विचार की पद्धति है। इसीलिए शुद्ध करा मन भारे देहातीत, जब तक कि ये देह के आकार में आसक्ति में फंसे हुए हैं तब तक की जिंदगी में परेशानी रहेगी। और इस स्थूल जगत को हम महत्व देंगे, एक बार ये बात आपके समझ में आ जाए आपको वही मस्ती चढ़ेगी जिसमें हम 24 घंटे होते हैं। कौन सी मस्ती है वो? देखो जहां हमने अपने को देह से अलग कर लिया तो ये स्थूल जगत जागृत अवस्था इसका कोई मूल्य नहीं है, एकदम निर्माल्य है, निर्मूल्य है, कोई अर्थ नहीं इसका। क्योंकि जब सुषुप्ति अवस्था में और स्वप्नावस्था में जब हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होते उस समय हम कहां होते हैं? केरला में या पांडिचेरी में? उस समय हम कहां होते हैं? कहां? या 2002 में या 1942 में? कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जागृत अवस्था का अस्तित्व केवल अपने मन का देह के साथ तादात्म्य होते ही होता है। और देह के साथ तादात्म्य का क्या अर्थ है? जब हम सोते हैं तब डाइजेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, बाल बढ़ते हैं, माने जो अंतर्यामी मन है उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या है इसी मन का जो आकार धारण हुआ है इस देह को लेकर के, वहां से समस्या प्रारंभ होती है। और ये आकार कैसा है? वास्तविक नहीं है। जिसका आकार होता है वह वास्तविक है, आकार वास्तविक नहीं है। सुवर्ण का आकार उसको कहते हैं आभूषण, तो उसमें आभूषण वास्तविक नहीं है। आभूषण नाम की कोई वस्तु नहीं है, सुवर्ण नाम की वस्तु है। इसीलिए करा शुद्ध मन भारे देहातीत, मन को शुद्ध करना, पाप पुण्य ये सब तभी तक चलता है संतो जब तक के हमने अपने आप को देह मान के बैठे। फिर हमने किसको कुछ कहा उनको बुरा लगा तो ताली बजाओ और क्या। एक बात समझ लेना, कोई किसी के कहने से दुखी नहीं होता, कोई किसी के कहने से सुखी नहीं होता, कोई किसी के कहने से ज्ञानी नहीं होता, कोई किसी के कहने से बेवकूफ नहीं होता। एवरीबडी इज ए बॉर्न। देखो महाराज, किसी के कहने से कोई ज्ञानी होता तो भगवान कृष्ण के साथ रहते समय कितनी लोग ज्ञानी हो जाते, कितने हुए। इसलिए हमको ना इस चक्कर में पड़ना है हमारे कारण किसी को दुख होगा, किसी को कोई दुख नहीं होता। देखो एक सिद्धांत आपको बताऊं, एज रिगार्ड्स मिजरीज आर कंसर्न वी आर ऑल सेल्फ सफिशियंट। बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, किसी से दुख उधार लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है। तो शुद्ध करा मन भारे देहातीत, ओळखा वस्तुते तुका मणे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं ओळखा वस्तु, वस्तु माने परमात्मा, तो उस परमात्मा को पहचानो। कहते हैं ओळखा माने पहचानो, परमात्मा को निर्माण नहीं करना है। साधना के द्वारा हमने परमात्मा को बनाया तो वो बनावटी परमात्मा होगा, और हर एक का एक एक नया परमात्मा बनेगा। तो अनेक बनावटी परमात्मा को इकट्ठा करो तो नानावटी हो जाएगा। देखो महाराज, बहुत ही सरल विचार है, कोई परेशानी नहीं। तो ओळखा वस्तुते,
सब में जो ओत प्रोत एक आत्म तत्व है उसको केवल पहचानना है। जिसको पहचानते हैं वो हमेशा होता है। आपने आपको यदि मैंने प्रश्न पूछा आप मेरे दाढ़ी को पहचानते हैं कि हाँ स्वामी जी आपकी दाढ़ी तो बड़ी प्रसिद्ध है और जब आप खेलते हो तो बड़ा जलन होता है कि अपन को लटकने को कब मिलेगा, क्योंकि आपने मेरे दाढ़ी को देखा है। यदि मैं कहूं कि आपने मेरे सिंगों को पहचाना क्या, जो ओनिडा के सिंग होते हैं ना, आपने मेरे सिंगों को पहचाना क्या, तो आप क्या उत्तर देंगे, अभी नहीं। इसीलिए जो वस्तु है उसी को पहचान सकते हैं, जो नहीं है उसको नहीं पहचान सकते। तो वस्तु ते ओळखा सांडारे कल्पना नका आडराना जाऊ झणे। इसीलिए पूरी साधना क्या है, अपने इस चैतन्य को पहचानो। यदि हमारी दृष्टि अपने इस चैतन्य की तरफ रही तो क्या होगा, इस समय जैसे हमारी दृष्टि देह की तरफ है तो हम केवल भेद का प्रतिपादन करते हैं, भेद का समर्थन करते हैं और भेद की ही बात करते हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया, ये मेरा है वो उसका है, ये अपना है वो पराया है, यहां तक कि ये मेरा शिष्य है वो मेरा शिष्य नहीं है। देखो माया का जो जबरदस्त झटका है ना, वो वहां तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं इस चक्कर से निकलो। तो यदि हम देह मानेंगे तो झगड़े भी पड़ेंगे, और यदि हमने अपने आप को चैतन्य रूप से स्वीकार किया है तब हमारा जीवन कैसा होगा। एक ही चैतन्य आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो जब हमको बताते हैं ध्यान की प्रक्रिया में, देखो रूप का त्याग कर दो, तो रूप का त्याग करेंगे तो रूप की उपलब्धि कराने वाले आंखों पर आ गए। फिर कहेंगे अब आंखों का त्याग कर दो, दृष्टि पर आ जाओ, दृष्टि का त्याग कर दो, दृष्टि के पीछे जिसके कारण दृष्टि है वह चैतन्य तुम हो, करो इस पर मेडिटेशन। तो हम चैतन्य पर मेडिटेशन करेंगे, ये रूप रंग का त्याग कर दिया आंखों पर आ गए, आंखों का त्याग कर दिया दृष्टि पर आ गए, दृष्टि का त्याग कर दिया चैतन्य पर आ गए। अब मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है लोगों को समझ भी नहीं आता, कैसे समझाऊं लोगों को। देखो महाराज ये मालूम है क्यों होता है, इसलिए होता है जब कहा रूप रंग का त्याग करके आंखों पर आ जाओ, तो कहां कहा था कि अपनी आंखों पर आ जाओ, फिर आंखों का त्याग करके दृष्टि पर आ जाओ, कब कहा था कि अपने दृष्टि पर आ जाओ, और दृष्टि का त्याग करके चैतन्य पर आ जाओ, कब कहा था कि अपने चैतन्य पर आ जाओ। देखो इसीलिए यहां कहते हैं ओळखा वस्तुते सांडारे कल्पना, गिव अप ऑल इमेजिनेशंस। हम कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं, और जब तक के संकल्प विकल्प मन में रहेंगे तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होता। छठवें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, वहां वो कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। हमारे मन में एक भी संकल्प का निर्माण नहीं होना है। लेकिन हमारे बच्चे पोते उन पर संस्कार नहीं करने क्या स्वामी जी, नहीं संस्कार करो फिर वो तुम्हारे संस्कार करेंगे, संस्कार संस्कार करते रहे, अपने पर तो संस्कार नहीं, सब विकार ही विकार है, दूसरे पर संस्कार करे जा रहे, और फिर संस्कार करने का अहंकार, सब कार का बिजनेस है। वस्तु देखो का सांडारे कल्पना, हे कल्पना को छोड़ो,
और जितनी आप कल्पना का त्याग करोगे उतने अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे। इसीलिए बहुत सूक्ष्म साधना के क्षेत्र में दो बातें बताते हैं कि अपने जो प्राण है चैतन्य की गत्यात्मक व्यक्ति अभिव्यक्ति को प्राण कहते हैं और चैतन्य की वृत्त्यात्मक अभिव्यक्ति को मन कहते हैं। तो मन और प्राण दोनों एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। तो जितना हमारा ध्यान इस चैतन्य के तरफ रहेगा उतने प्राणों का स्पंदन शांत होगा, प्राणस्पंद निरोधनम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्राणायामम प्रत्याहारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुरुवधानम महदवधानम। तो अपने प्राणों के स्पंदनों का शांतिकरण, उसके बाद चित्त वृत्ति के निरोध की प्रक्रिया, और जब चित्त वृत्ति या निरोध हो गई, प्राणों का निरोध हो गया, तो उस समय जो स्थिति है उस समय हम अपने चैतन्य में फिट हो गए, वो अपनी असलियत है। वो छोड़ करके अपने भटकते रहे, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, और वहां जाकर के यही करेंगे, देखो यहां का जो मंदिर है ना, यहां का पुजारी जो है ना, देखो मेरे तरफ देख रहा है, मेरे तरफ देख रहा, कंटिन्यूअसली किसी की तरफ देखता ही नहीं, उसको लग रहा है कि मैं ही सुभद्रा हूं। एक बार एक सत्संग में एक अम्मा जाती थी और वो दो चार दिन के बाद बाबा जी को कहने, बाबा जी एक बात कहनी है। कहो बेटा क्या बात है। वो जो आदमी आता है ना सत्संग में, मेरी ही तरफ हमेशा देखते रहता है, एक तान से मेरी तरफ देखते रहता है। तो महात्मा जी ने कहा छोड़ो। बोले नहीं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, समझो आपके तरफ कोई एक ऐसा देखता रहे तो कैसे लगेगा। तो उन्होंने कहा वो तुम्हारे तरफ कंटिन्यूअसली देखता है, ये तुमको कैसे पता चलेगा जब तक कि तुम कंटिन्यूअसली देखते। छोड़ो भैया इन चीजों को। इसलिए वस्तु ते ओळखा सांडारे कल्पना, मन में सभी कल्पनाओं का त्याग कर दो और बस शांत रहो। अशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति ने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं किया उसको परमात्मा नहीं मिलती, और जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है उसका मन भगवान में नहीं लगता। तो भगवान के प्राप्ति के दो साधन हैं, एक तो शांति और दूसरी प्रसन्नता। और आप यदि दुनिया को पकड़ के रखोगे तो दोनों बातें नहीं मिलेगी। फिर हम क्या करते हैं, अपने घर का नाम रख देते हैं शांति निवास, लेकिन उसमें अशांति की सेवा कुछ नहीं होता। इसलिए वस्तु ते ओळखा सांडारे कल्पना, कल्पना का त्याग करने का तात्पर्य है जो सभी वृत्तियों के परे है, निर्वृत्तिक अनुभूति को कहते हैं परमात्मा। अपने अस्तित्व की वृत्ति नहीं होती, मैं हूं ये वृत्ति नहीं है, ये वृत्ति रहित अनुभव है, और इसीलिए अनुभव कभी काट्य नहीं, इसको काटा नहीं जा सकता। वस्तु ते ओळखा सांडारे कल्पना। अब हमारी कल्पना क्या है कि मैं अमीर हूं गरीब हूं, मैं सत्संगी हूं बाकी लोग दुस्संगी है। एक बार एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी ये लोग जो है ना, ये सत्संग की महिमा क्यों नहीं समझते। मैं तो आपके पास आ गया लेकिन लोग बड़े भयानक खटूस हैं। तो हमने कहा ठीक है आप अपना काम करो, वो अपना काम करो, परेशान क्यों हो रहे। लेकिन स्वामी जी ये नरजन्म जो है ना, मेरा ही लेक्चर मुझे सुना रहा। हमने कहा मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। तो फिर हमने उनको कहा प्रभु ये बताओ आप सत्संग में कब से आने लग गए। बोले स्वामी जी अभी अभी शुरू हो गया, अभी एक हफ्ता हुआ। एक हफ्ते के पहले आप दुर्जन थे,
अब सज्जन होकर के दूसरों को बुरा कहने लग गए। इसीलिए जो कल्पना होती है ना कि हम दूसरे से अच्छे हैं बुरे हैं, या हम दूसरे से अमीर है गरीब है, दोनों अभिमान है। अपनी अमीरी का जितना भयानक बुरा अभिमान है, उससे भी ज्यादा गरीबी का अभिमान होता है। गरीब आदमी को बहुत ज्यादा अभिमान होता है, जितना अभिमान स्वास्थ्य युक्त व्यक्ति को होता है उससे भी ज्यादा अभिमान बीमारी व्यक्ति को होता है। अभिमान की जो मक्खी है ना, वो कहीं भी बैठ लेती है। ऐसे नहीं कि जाकर के अच्छाई पर बैठे बुराई पर बैठे, समोहम सर्वभूतेषु। इसलिए सांडारे कल्पना, गिव ऑल इमेजिनेशंस और उस परमात्मा तत्व को पहचानो। नका आडराना जाऊ झणी, और ऐसे गली गलियों में मत भटको, एकदम राजपथ से चलो। आडराना माने खामो खाम के चक्कर में मत पड़ो। हम आपको एक बात बता दें, जो व्यक्ति आपको पैसे लेकर के तत्व ज्ञान की बात बताता है उससे बचो। पहला सिद्धांत है आध्यात्मिक जीवन का, पैसे लेकर के ज्ञान बताने वाला दंभी होता है। शास्त्रों में कहीं इसका निर्णय नहीं है कि पैसे लेकर के सत्संग करो, नहीं। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, उसके लिए सत्संग करने की जरूरत नहीं। भगवान का नाम लेकर के पेट ही पालना है तो मत लो भगवान का नाम, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आड़ मार्ग का तात्पर्य है, ऐसे शॉर्टकट में मत जाओ। हम क्या चाहते हैं, चटमंगनी पट ब्याह। चटमंगनी पट ब्याह करोगे तो सत्यानाश होगा। इसीलिए हमको उस मार्ग से जाना है और उसके साथ जाना है कि जो तत्व के सिवा दूसरे किसी बात की बात ही नहीं करता। बहुत महत्व की बात है। हम आपके उदाहरण दें, यदि हमारे दिमाग में कोई प्रोजेक्ट है, समझो हमको एक हॉस्पिटल खोलना है। अब किसने बताया आपको, नहीं नहीं मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो फिर क्या करोगे, हॉस्पिटल खोलना है उसके लिए लोगों से पैसे लोगे और कहां करोगे। और एक बार हॉस्पिटल की बीमारी आपके दिमाग में घुस गई तो सत्संग के माध्यम से पैसे इकट्ठा करना, सत्संग के माध्यम से परमात्मा को नहीं पहुंचना। देखो आरती के फिर हम बोली लगाते हैं, भगवान की आरती करने की बोली, 5001 5001 5001 5001। नहीं, आज की आरती वो करेगा जो 10,000 देगा। वहां बैठ करके पांडुरंग महाराज हंस रहे हैं, अरे बेवकूफ, लक्ष्मीपति की आरती पैसे से खरीदी जा सकती है। देखो महाराज, ये सब आड़ मार्ग है, ये राजमार्ग नहीं है। जिस सत्संग में पैसे का व्यापार होता है वह राजमार्ग नहीं है। बड़े बड़े साधु संतों के पास जाके देखो, वो उपदेश करने के पैसे नहीं लेते। हालांकि कहते हैं हमारे शास्त्रों में, यदि साधक तैयार हो तो गुरु उसके घर पर पहुंचते हैं। गुरु को ढूंढने के लिए हमको कहीं जाना नहीं होता, स्वयं अधिकारी बनो तो अपने आप गुरु आते हैं। और गुरु आने के बाद बिल नहीं देते, विजिटिंग फी। देखो महाराज, इसको कहते हैं हमारे तुकाराम महाराज, नका आर्डर आना जाऊ झणी। इसका मराठी का तात्पर्य ये है, बड़े प्यार से कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, ये गलत मार्ग पर मत जाना। अखंड नाम स्मरण करते रहो, ये ऐसा मार्ग है जिसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। लेकिन हम चाहते शॉर्टकट। इस देर एनी शॉर्टकट, शॉर्टकट की आपको बात बताऊं, जब मैं छोटा था तब हमने सुना कि समर्थ रामदास स्वामी ने 13 करोड़
राम नाम का जप लिखने के बाद उनको भगवान राम के दर्शन हुए। उस समय इसके साइज के थे छोटे से, तो हमने शुरू कर दिया, ओम श्री राम, जय जय राम। और एक बार लिखने के बाद फिर गिनते थे, एक दो, अब 13 करोड़ में से 2 तो कम हो गए, फिर शुरू किया, ओम श्री राम, जय जय राम, कितने हो गए, 1, 2, 3, फिर श्री राम, जय जय, 1, 2, 3, 4, अरे बाप रे, 13 करोड़, इज देर एनी शॉर्टकट। और फिर कल्पना करी, एक के नीचे एक कागज रख करके बीच में कार्बन रख दिया, और कार्बन रखने के बाद फिर लिखना शुरू कर दिया, ओम श्री राम जय राम, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ओके, शॉर्टकट। और थोड़े बड़े जब हो गए, ऐसा करेंगे एक टाइपराइटर ले आएंगे, खट्टा कड़ा, और जब थोड़े बड़े हो गए ऐसा करेंगे कंप्यूटर को एक प्रोग्राम फीड कर देंगे, जेनरेटर स्विच ऑन, टाइप ओम श्री राम जय राम, और 13 करोड़ होगा तो मुझे बता देना, कंप्यूटर का रियलाइजेशन होगा, तुम जहां के वहीं रहोगे। ये आड़ मार्ग है, ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो यू विल बी कट शॉर्ट, नेवर गो इन टू दैट। इसीलिए वस्तु ते ओळखा सांडा रे कल्पना, कहां कहां भागोगे महाराज, एक बात समझ लेना, यदि आप परमात्मा के प्राप्ति के लिए देशांतरण कालांतरण की अपेक्षा करते हो तो आप कल्पना में दौड़ रहे हो, जो अब है यहां है वही सत्य है, जो तब है तहां है वो सत्य का भूत है, सत्य नहीं है। नका आडराना जाऊ झणी, झणी जाल कोठे बुड़वाल हित विचारी मनात आपुलिया, जहां भी आप जाओगे वहां एक संसार निर्माण कर दोगे। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति होती है अंतकरण में, आत्मा वा अरे निदिध्यासितव्यः मंतव्यः श्रोतव्यः, उस आत्म तत्व के बारे में सुनो, उसके बारे में मनन चिंतन करो, उसके बारे में एक लगन हो जाओ। तो यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वो केवल अपने मन में होगी, बाहर नहीं होगी। लेकिन वो मन जो कूड़ा करकट का एक ढेर बन गया है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, उसमें क्या होगा? या दूसरा मन जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस है, पता नहीं मुझे लगता है कि मैं मरता क्यों नहीं, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड जो मन है वो प्रभु के अवतरण का स्थान नहीं है। इसलिए झणी जाल कोठे बुड़वाल ही त मन भटको यहां से वहां, फिर क्या करते हैं, विचारी मनात आपुलिया, ना किसी बाबाजियों के चक्कर में घूमो, ना किसी आश्रमों के चक्कर में घूमो, भगवान विट्ठल साक्षात आपके हृदय में है, उसको पकड़ो ना। देखो हृदय के परमात्मा का तिरस्कार करके जो बाहर भटकते हैं उनको आज तक भगवान नहीं मिले, और जिनको भगवान मिले हैं उन्होंने स्थानांतरण नहीं किया। हमारे शिरडी के साईं बाबा बद्रीनाथ नहीं गए थे, पंढरपुर नहीं गए थे, बहुत महत्व की बात है, जहां है वही परमात्मा उपलब्ध है, लेकिन हम भटकेंगे यहां से वहां वहां से यहां, झड़ी जाल कोठे बुड़वाल ही त, और जब कहीं दूसरे स्थानों पर जाएंगे एक ही चक्कर रहेगा, सब तो ठीक है यहां लेकिन यहां का टॉयलेट ठीक नहीं है, तो भगवान हो जाएगा सेकेंडरी और टॉयलेट हो जाएगा प्राइमरी। क्यों? बिकॉज आई एम अटैच्ड नॉट टू भगवान, टू द टॉयलेट। इसीलिए झणी जाल कोठे बुड़वाल ही त विचारी मनात आपुलिया, उस परमात्मा का चिंतन करो, वो कौन है, क्या है, कहां है, कैसा है, उसका रूप क्या, उसके नाम क्या, उसके गुण क्या, उसकी कीर्ति क्या, उसकी लीला क्या, उसके बारे में नित्य निरंतर अखंड चिंतन चलता रहे। देखो जगत आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और
आगे कहते हैं आ पुलिया जीवे शिवासी पहावे आत्म सुख ग्यावे वेड़ो वेड़ा। ध्यान से सुनना, परमात्मा का दर्शन यदि अनात्म भाव से होगा तो वो हमेशा आपको डर निर्माण करेगा। द्वितीयात्वी भयम भवती, जिसको हम अपने से अलग मानते हैं उससे डर होता है, उससे प्रेम नहीं होता। जैसे समझो अपने केरला की हमेशा की बात है, गर्मी बहुत होती है और इसीलिए केरला के लोग ऊपर के कपड़े पहनते, नीचे के पहनते, धन्यवाद। और गर्मी चारों तरफ, और दिन के समय में ऐसे लेटे रहेंगे जमीन पर डायरेक्टली, ये वैराग्य नहीं है, ये आवश्यकता है। अच्छा, उस समय गर्मी के दिनों में समझो एकाध चिपकली कहीं भजन मंडली में जा रही थी और जाते जाते उसका पैर फिसला और ऊपर से डायरेक्टली आपके मध्य प्रदेश पर लैंड हो गई, तो कितने जोर से कूदेंगे, क्या आ गया। और उसके स्थान पर आपका भारी हाथ वो आकर के आपके मध्य प्रदेश पर पड़ा तो डर लगता है कि अरे भारी क्या आ गया, चिपकली तो ठीक थी, छोटी सी थी। नहीं, जहां दूसरे की कल्पना है वहां डर होगा। इसीलिए भगवान को यदि अपने से दूर ढकलोगे तो डरोगे भगवान से, जब डरोगे तो प्रेम नहीं करोगे। भगवान प्रेम करने की वस्तु है, डरने की नहीं है। और हमारे मन में प्रेम तब होगा परमात्मा के लिए जब उस परमात्मा को हम आत्मरूप से पहचानेंगे तब। इसीलिए यहां कहते हैं विचारी मनात आपुलिया आपुलिये जीवे शिवासी पहावे, परमात्मा को आत्मरूप से पहचानो। अब कैसे पहचाने, बिल्कुल एक क्षण की बात है, एकदम एकाग्रता से सुनो। जब हमको कुछ कोई देता है खाने के लिए, बड़ा आनंद आता है, तो वो हो गया जीव। और जब हम किसी को कुछ देते हैं खाने के लिए और तब उससे भी ज्यादा आनंद आता है, तब आप हो गए शिव। देखो, जिसको लेने में आनंद आता है वो दरिद्री जीव, जिसको देने में आनंद आता है वह ऐश्वर्य युक्त परमात्मा। अब देखो हम अपने जीवन में लेते कितना है और देते कितना है, तो जितना हमको अपने जीवन में इस परमात्मा की उपलब्धि करनी है तो ये लेना 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 दुनिया से निकाल डाले, कब तक लेते रहेंगे। तो आप बोलिए जीवे शिवासी महावे, दूसरा अर्थ है इसका, परमात्मा हम सबके हृदय में है और फिर भी आनंद स्वरूप है, और हम भी अपने हृदय में है और दुखी है। कारण क्या है, कारण यही है कि हम अपने दुख के साथ जहां तादात्म्य किए वहां जीव भाव आया, जहां तादात्म्य नहीं किया वहां परमात्मा भाव आया। देखो हमको किसी ने चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि स्वामी जी हम बड़े दुखी थे लेकिन आपके सुनते 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 अब सब बात समझ में आ गई। अब एक बात है, अंडरलाइन करके बताते हैं, अब मैं दुखी नहीं हूं, नाउ आई एम रियली रियली हैप्पी। और कहती है आगे, कुछ नहीं बदला, सब चीज जैसी की तैसी है, बदला मैं। देखो तो जीव का शिव करना, इसका तात्पर्य है अपने जीवन के दुख को ज्यादा सराहो मत, अपने जीवन के दुख को ज्यादा जस्टिफाई मत करो। जब ये कई गृहस्थ लोग फ्रस्ट्रेट होकर के हम पर गुस्सा करते हैं ना, तो ट्रम्प कार्ड निकालते हैं, कहते स्वामी जी शादी करके सुखी होके दिखाओ। अब वहां हम हार जाते हैं। देखो इतनी स्पष्ट बात है, परमात्मा को आत्मरूप से पहचानना माने जैसे परमात्मा हमेशा प्रसन्न है, आनंद स्वरूप है, वैसे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण बिताना।
जगी सर्व सुखी असा कोणा है, विचारी मना तुझी शोधू निपाए। हमको अपना दुख इतना लगता है, हम आपको बताएं अपने दुख से निकलने का उपाय। एक हमारे मित्र थे बाबा जी, हमारे मित्र बाबा जी रहेंगे और क्या, और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, बड़ा किया अपने गद्दे पर बैठाने के लिए। गद्दे पर जो बैठते हैं वो गधे होते हैं, तो गद्दे पर बैठाने के लिए उसको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद अब सोच रहे, अब ये बच्चा 18 साल का हो गया, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब इसको सब भार सौंप दूंगा और आराम से रहूंगा। आम भले सोचो, कन्हैया लाल ने चाबी भरी और वो जो लड़के को 4 साल से 18 साल तक बड़ा किया था वो मर गए। अब वो मरने के बाद हम थे वहां, जब मर गया वो तो वही रोने लगे बड़े जोर जोर से, बड़े जोर जोर से। सब गांव के लोग वगैरह आए, बड़ा समझाया, महात्मा जी कोई बात नहीं, अब ये हो गया है, अब आप ही को सब संभालना है, अब रोने से क्या होगा। सभी के सभी गांव वाले उनको ज्ञान का उपदेश करने लग गए, और जब सभी ज्ञानी हो गए तब ये महात्मा जी अंदर बाथरूम को गए और हमको भी कहते आओ, हम भी उनके अंदर गए। अंदर जाने के बाद हाँ चल चाय पीते हैं। हमने कहा प्रभु, बोले देखो तू, देखो यदि मैं नहीं रोता तो ये सब रोते, और सबको रोते हुओं को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मैंने रोना शुरू कर दिया, सब ज्ञानी बन गए। देखो जब हम दूसरे के दुख में सहभागी होते हैं तो अपना दुख अपने आप मिट जाता है। ये सिद्धांत है जीवन का। जो व्यक्ति दुखी है इसका एक ही कारण है, उन्होंने दूसरे के दुख को कभी पहचाना नहीं है, इसीलिए दुखी है। तो आत्म आपुलिये जीवे शिवासी पहावे, अपने जीवन के दुख को लेकर के परेशान मत हो, ये सभी के जीवन में आता है। तो फिर क्या करें, हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चुस्त रहो और आनंद में रहो, एक ही जीवन का सिद्धांत, उसमें सब कुछ आ गया है। तो आपुलिये जीवे शिवासी पहावे, आत्म सुख ध्यावे वेड़ो वेड़ा। जब जब हम किसी की अपेक्षा न रखते हुए मस्ती में रहते हैं, वो मस्ती अपने आत्म सुख की अभिव्यक्ति होती है। देखो सुषुप्ति अवस्था में हम सब मस्त होते हैं, उससे उस समय हमारे पास क्या होता है, कुछ नहीं, साम्राज्य नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, और फिर भी आप इतने मस्त हो। तो उन्होंने कहा इसीलिए मैं मस्त हूं। देखो जिस आनंद के लिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष आनंद की अनुभूति को कहते हैं आत्म सुख। देखो महाराज, जिसने ये आत्म सुख पहचाना है, वेड़ो वेड़ा हमेशा उसी की तरफ ध्यान रखो। जब कोई वस्तु की चाह होती है तो चाह के कारण हमारे मन में विक्षेपों का तूफान उठता है, और जहां वो चाह शांत हो गई, विक्षेप खत्म हो गए, तो वही विक्षेप जहां से निकले थे उसी स्थान पर आत्म सुख उपलब्ध है, बाहर कहीं नहीं है। इसीलिए आत्म सुख घ्यावे वेड़ो वेड़ा, घ्यावे आत्म सुख स्वरूपी मिलावे। दो बातें हमने आपको पहले दिन बताई थी, भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। पहली बात स्वरूप और दूसरी बात स्वभाव। अपने स्वरूप में हम परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन अपने स्वभाव में हमको परिवर्तन लाना है। हमारा स्वभाव होता है प्रकृति और प्रकृति के विकृति को लेकर के, और हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, उसमें कोई भी बदल नहीं ला सकते। इसीलिए यहां कहते हैं ध्यावे आत्म सुख स्वरूप ही मिलावे। तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए अपने स्वभाव को बदलो। अब जैसे देखो हमको दुखी होने की आदत पड़ गई है, और जब हम अभ्यास के द्वारा दुखी हो सकते हैं, तो
तो उसी अभ्यास के द्वारा मस्त भी हो सकते हैं। प्रयत्न करके देखो, अपने जीवन में कसम खा लो, क्या कोई भी पूछे कैसे हो तो सच मत बताना। उसने गलती करी इसका मतलब ये नहीं कि उसका बदला निकालो। आप कैसे हो? बैठो 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 बैठो। ये जो है ना, यहां इतना जोर से दर्द होता है और फिर उनकी दर्द भरी दास्तां इतनी शुरू हो जाती है, सुनने वाले को दर्द होने लग जाता है। कोई भी पूछे कैसे हो, एकदम डट के कहे दो मस्त हूं। और धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते आप देखेंगे आपको वैसी अनुभूति आने लगेगी। और यदि आप ऐसा अभ्यास को कैसे हो, हम ठीक है, हम जिंदा है, ये लोग मरते भी नहीं, मुझे दुख इस बात का होता है, किसने कहा है ऐसा मर्द मुर्दे के जैसा जिंदा रहो, मरो ना, मरो लेकिन कैसे, मस्ती से प्रेम से मरो, मरने में भी जान होनी चाहिए। एक बार एक नाटक चल रहा था, उसकी प्रैक्टिस चल रही थी और वो प्रैक्टिस में ऐसा सीन था, इधर से टेररिस्ट आता है और एक आदमी लुंगी पहन करके खड़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है घर में ही अपने, और उधर से टेररिस्ट आता है, धड़ 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 धड़, उस पर गोलियां बरसा देता है। और इसको कैसा मरना चाहिए, गोलियां अंदर जाने के बाद पहले ये न्यूज़पेपर फोल्ड करके रख देता है और धीरे से ऐसा करके फिर तो वो डायरेक्टर कहता है, अरे पहले सीरियस मेकअप बनाओ, और मेकअप एक बार सीरियस हो गया कि मुंह फुलाए रखे है, क्या भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। देखो भागवत महापुराण जब होती है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है, हमने भी बहुत कथा करी है लेकिन रोया कभी नहीं। कई बार लोग भागवत की कथा करते हैं, बीच में तौलियों का एक बंडल रख देते हैं, फिर उधर से रुक्मिणी जी आई, कृष्ण के विरह में उनको इतना दुख हो रहा था, पानी लाना। देखो भगवान कृष्ण की लीला में भगवान स्वयं कभी नहीं रोए, पूरे भागवत में देख लीजिए आप, एक बार भी भगवान नहीं रोए। अरे भैया जिसकी लीला सुन रहे हो उसके चेहरे की तरफ देखो तो रोना नहीं आएगा, बड़ा आनंद है। इसलिए घ्यावे आत्म सुख स्वरूपी मिलावे, नित्य निरंतर प्रसन्न मस्त रहना संभव है, नित्य निरंतर दुखी रहना संभव नहीं है। कितना भी ट्राई करो आप कंटिन्यूअसली मिजरेबल नहीं रह सकते, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में कोई मिजरेबल नहीं होता। व्हेन यू हैव साउंड स्लीप अदर्स आर मिजरेबल, क्योंकि यू आर प्रोड्यूसिंग साउंड खर खर। और देखो मजे की बात, देखो हमारी मस्ती का कारण क्या है, यही ऑब्जर्वेशन। आप देखो जो आदमी खर्राटे मार के सोता है और जिसको नींद नहीं आती, इन दोनों के मन की स्थिति क्या होगी। जो खर्राटे मार के सोता है उसको जल्दी नहीं होती, वो ऐसे थोड़ी खर्राटे मारता है, खर 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 खर, वो खर्राटे मारता है, जल्दी खाएगी। और जो जगा है वो परेशान होता है, उठता भी नहीं जल्दी और फिर देखो इस दुनिया में इतना आनंद है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हमेशा 24 घंटे स्वरूपी अपने आनंद में रह सकता है, हमेशा दुखी रहना संभव नहीं। इसीलिए जो संभव है वो करो, जो असंभव है वो क्यों करे। तो स्वरूपी मिलावे घ्यावे आत्म सुख भूतिली न भावे तुका मणे, और अपने आत्मस्वरूप का आनंद प्राप्त करने के लिए
दूसरी साधना बताते हैं भूति लीन भावे। यह जो लय साधना है कठोपनिषद में आती है, आठवें अभंग में कहते हैं भूति लीन भावे सांगावे न लगेची आता अहंकाराची शांति करा। भूति लीन भावे का तात्पर्य है यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञः तज्जच्छेद ज्ञान शांत ज्ञान आत्मनि महतीनि अच्छेद तज्जच्छेद शांते आत्मनि। ये जो लय प्रक्रिया है इसकी बात बता दे तुकाराम महाराज। हम अपने वाणी का लय अपने मन में करें। वाणी निकलती है शब्दों के रूप में वैखरी वाणी से, नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स पोल्ट्री फार्म चुप शांत। यह छेद वांग मनसी प्राज्ञ, लेकिन मन में जाने के बाद ठीक है कुछ बोलेंगे नहीं। आप देखो बसों में ट्रेन में जाते समय लोग बैठे रहते हैं ना, वो उनका कोई कुंडलिनी जागृति के कारण ऐसा नहीं होता, ये कुंडलिनी छूट गई इसके कारण बैठे बैठे ऐसे। और फिर हम कहेंगे वो सेंटिमेंटल है, माने मेंटल होने की पहली स्टेज। जब हमारे विचार दूसरे सुनते नहीं तब उसको हम सेंटिमेंटल कहते हैं, जब हमारे विचार दूसरे सुनते हैं तब उसको मेंटल कहते हैं। तो अपनी ये जो वाणी है बाहर के जगत में चुप हो गई, अब अंदर में आकर के शांत होनी चाहिए। देखो मौन ये जो तपस्या है भगवद गीता में बताई है, मौन ये मन की तपस्या है। मौनम आत्मविनिग्रह, मौन का तात्पर्य है जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के संकल्प नहीं उठना। संकल्प कब नहीं उठते आपके अंतकरण में? जब आप मस्त रहते हो तब। अब देखो आप सबको एक चीज बताऊं मैं आपको, परमात्मा की प्राप्ति का टेक्निक। जब कोई जोक होता है तो हम लोग भड़ास से हंस देते हैं, तो जब जोर से हंस देते हैं उस समय क्या होता है? उस समय हमारा मन एकदम निर्विचार हो जाता है। और इसीलिए जोक सुनने के बाद आनंद क्यों आता है? क्योंकि उस थोड़े क्षण के लिए क्यों ना हो हमारा जो मन था एकदम निर्विकार निर्विकल्प हो गया है। इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा मस्त रहता है हंसते रहता है उसका मन हमेशा निर्विकार रहता है। हम लोगों को हंसना भूल गए, जीना भूल गए। एक ने मुझे ईमेल भेजी, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वॉज डाइंग टू गो टू स्कूल, When I went to school, I was dying to go to high school. When I went to high school, I was dying to go to college. When I went to college, I was dying to get a job. When I got a job, I was dying to get married. When I got married, I was dying to get children. When I got children, I was dying to get them settled. When they got settled, I was dying to get VRS. Now I got VRS and now I realize I never lived. All the time dying, 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 dying. पूरे जिंदगी में हमने हंसना ही छोड़ दिया है। इसलिए ये बहुत बड़ी साधना है। पूरे भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन इव चेहरे की मुस्कान को कभी मुरझाने नहीं दिया। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। इसीलिए भूति लीन भावे तुका मणे, तो अपने वाणी को मन में किया और मन यदि शांत रहा तो आप प्रसन्न है, और यदि आप प्रसन्न हो तो आपको सब अच्छा दिखने लगता है। और यदि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, एक बार बंबई की बात है, हम कहीं शादी में गए, शादी में जाने के बाद बंबई का सब स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, ऐसा स्टेज होता है और वहां सब कैमरा और टीवी का सब कुछ होता है, जाकर के खड़े रहो है करो फोटो खींचते निकल जा।
क्योंकि हम बाबा जी हमको बिना लाइन के हम अंदर जा सकते, लाइन मारने की जरूरत नहीं। तो हम सीधे गए, अपना फोटो खिंचवाया, नीचे आके खाने से मतलब अपने को, हम जाके बैठे खाने के लिए। तो खाने के लिए बैठे, उस समय एक कहीं से बूढ़ी अम्मा आए, स्वामी जी आप यहां भी आ गए। मैंने कहा कि अम्मा जहां खाना होता है वह मैं आ जाता हूं। बोले आपको कैसे लग रहा है? मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि काश मेरी भी शादी होती तो कितना अच्छा। स्वामी जी आप कभी तो सीरियस होइए। हमें कहा सीरियस 105 डिग्री सेंटीग्रेड है, बोलो क्या बोलूं। बोले स्वामी जी आपने उस लड़की को देखा? बोला हाँ, मैं लड़कियां देखने के लिए तो आया हूं यहां। नहीं नहीं नहीं, जिसकी शादी हो रही है उसको देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हमने कहा दुख हो रहा है कि जलन हो रही है? स्वामी जी अब इस बुढ़ापे में कौन मेरे से शादी करेगा, यही तो दुख है और क्या। बोले नहीं, मेरी यदि वो लड़की जिंदा होती और फिर खर 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 कर गंगा यमुना सरस्वती टिश्यू पेपर के साथ वो यदि जिंदा होती तो आज वैसी ही दिखती, लेकिन अब वो मर गई, अब मैं क्या करूं। मैंने बोला मुझे जिंदा छोड़ो, मैं खाना खा रहा हूं। जो व्यक्ति स्वयं फ्रस्ट्रेटेड होता है वो जगत में आनंद के स्थान पर भी जाकर के नमक में, ये दूध में नमक डाल देता है। देखो इसीलिए सबसे बड़ी साधना है प्रसन्न रहो महाराज, दुखी रहने से कुछ नहीं होता। भूति ली न भावे तुकामणे, भूति ली न भावे सांगावे न लगे ची। और जितना हमने अपने व्यक्तित्व का समापन किया और सबके साथ मिल गए, हम आपको गारंटी देते हैं आप कभी दुखी नहीं होंगे। व्यक्ति के दुखी होने का एक ही कारण है, वो हमको अपने आप को सबसे अलग करके रखता है। सब में मिल जाओ, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य सबसे विशेष बनने में नहीं है, सभी विशेषताओं का त्याग करके सामान्य से सामान्य बनने में ही है। जहां पानी में विशेषता आ गई तो बर्फ बन गया, और बर्फ बन गया तो एक उसको मारेगा वो उसको मारेगा। एक गिलास में 4-6 आइस क्यूब डाल के देखो बीच में कितनी जगह होती है, और हरेक अपना टेढ़ा खड़ा है। और वही आइस जब पानी बन जाता है तो उसी गिलास में कितना प्यार से सहजता से आ जाता है। तो जब तक हम अपने व्यक्तित्व को सबसे अलग रखते हैं तभी तक दुखी है। अपने व्यक्तित्व को सबके साथ मिला दो, आप दुखी नहीं होंगे। और यही है भूति ली न भावे सांगावे न लगे ची, आता अहंकाराची शांति करा। अब अगली बात कहते हैं, अब अपने जीवन से अहंकार को दबा डालो। अहंकार किसको कहते हैं? कहते हैं शांति करा तुम्हें ममता नसावी। अहंकार की आपको परिभाषा बताते, अहंकार माने ईगो। ये गणित जो है ये हमने हमारे ये कार्डों में लिखा है, ये कार्ड्स यहां उपलब्ध है, और इन कार्डों को आप पढ़ो, रोज एक एक कार्ड पढ़ो और उसके साथ अपना दिन शुरू करो। बी अ ड्रॉप, ड्रॉप आउट द लिमिटेशन एंड बी आउट जस्ट टू बी। यू हैव नो बिजनेस टू बी मिजरेबल। वाइज डू नॉट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, अदरवाइज डू। ऑर्डिनरी पीपल हार्वेस्ट वेजेस ऑफ देयर लेबर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल एक्सपीरियंस जॉय। Being miserable is a sign of a strong ego. Laugh at yourself and smile at others. Upon waking up in the morning, start afresh. If misery reaches without efforts, happiness will also. Why struggle for happiness? You have no choice to live yesterday or tomorrow. Today is choiceless existence, the reality. Dilute your ego and increase its potency and efficiency. No argument is worth losing your peace of mind. Big undertakings begin a small way.
लॉन्ग हां दिस व्हाट आई हैव टू टेल यू लॉन्गर द पास्ट स्ट्रॉन्गर द ईगो शॉर्टर द पास्ट वीकर द ईगो। अब देखो एक छोटा सा बच्चा है जिसका पास्ट है 5 साल लंबा और एक दूसरा बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र है 70 साल। अब ये दो बच्चे हैं, एक 5 साल का एक 70 साल का। अब 5 साल के बच्चे को बुलाओ। हमने एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया था एक कैंप में और उस 5 साल के बच्चे को कहा बेटा तुम आओ अपने बारे में बताओ कुछ भी बताओ। मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। फिर हाँ और बताओ अपने बारे में तुमको पूरा 5 मिनट खड़ा रह के बताना है। मुझे मम्मी नहीं अच्छी लगती डांटती रहती। फिर स्वामी जी विल यू गिव मी चॉकलेट। तीसरा वाक्य चौथा वाक्य स्वामी जी नाउ आई कैन नॉट टॉक इफ यू आस्क मी आई विल डू शुशु हियर एंड आई ठीक है बाबा जाओ। ही वेंट। उसको 5 मिनट बोलना बड़ा कठिन एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं। अब 70 नॉट आउट बैट्समैन आ गए शुरू हो गया। 1857 की बात है तात्या टोपे उनकी टोपी जहां गिरी थी वहां मेरे दादाजी ने झंडा गाड़ दिया था। अब 3 पीढ़ियों की बात सुनाते सुनाते 5 मिनट क्या 1 घंटा निकल गया लेकिन इनके मुंह की बोलती बंद ही नहीं हो रही। अरे मामा चुप बैठो नहीं नहीं लिटिल मोर जस्ट टू मिनट्स क्योंकि जितना लंबा पास्ट होगा उतना हमारा ईगो स्ट्रांग है। जितना ईगो स्ट्रांग होगा उतने हम अपने बारे में बोलते रहेंगे। देखो महाराज इसीलिए सबसे बड़ी साधना आपको बताऊं किसी के भूत के बारे में मत पूछो और अपने भूत को उतार के रखो। जिसको भूत चढ़ता है वो कैसा बावला का जैसा करते हैं ना। इसीलिए ये जो ईगो 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 बात है ये जो ईगो है यह अपने पूरे जन्म का हिसाब इकट्ठा किया है। ये मेरा घर है ये मेरी बीवी है ये मेरे बच्चे ये मेरी 6वीं बीवी है ये मेरा 11वां बच्चा है। देखो हम अपने जीवन की सभी बातें पब्लिक को बताते हैं और फिर पूछते पता नहीं ये लोगों को कैसे पता चला मेरे बारे में और हम ही अपने बारे में लोगों को कहते देखो यू आर माई क्लोज फ्रेंड हाँ आई विल नॉट टेल एनी बडी यू डोंट टेल वेरी सीक्रेट यू नो व्हाट हैपन्ड मैं जो था ना मैंने ये 4थी शादी की है लेकिन किसको मालूम ही नहीं। अब वो दूसरा जो है जिसको बताया वो अपने दोस्त को कहे देखो मैं तुमको बता रहा हूं तुम मेरे स्पेशल हो इसलिए स्वामी जी ने मालूम ही कहा अपने बारे में। और धीरे धीरे 4-6 जगह घूम घाम करके एक आदमी आके कहते स्वामी जी आपके बारे में मालूम है लोग क्या कहते। अरे लोगों को कैसे पता चला जो अपनी बात अपना भूत अपने पेट में नहीं पाल सकता वो तो पब्लिक होगा ही। देखो इसीलिए अपने ममता का जितना बोझा अपने हृदय पर कम होगा उतना आपका ईगो कम होगा। अब देखो ईगो के एक दो उदाहरण कैसे हम अपने कारण पब्लिक को परेशान करते हैं। छोटे बच्चे डैडी आई वॉन्ट न्यू शूज ओनली लास्ट मंथ वी हैव परचेज वाई न्यू शूज। जब हम छोटे थे उस समय हम नंगे पैर जाते थे कॉलेज तक। अब आजकल के बच्चे देखो हर 1 महीने में नया जूता चाहिए। फिर 2-4 दिन के बाद आता है कहता है पापा आई वॉन्ट ए न्यू जीन लेटेस्ट ली जीन हैज कम इन द मार्केट। कितने बार पैंट खरीदोगे। जब हम बच्चे थे बिना पैंट के जाते थे कॉलेज में। फिर डैडी आई वॉन्ट 5-स्टार चॉकलेट क्या जरूरत है
जब हम बच्चे थे तब चॉकलेट देखते थे, खाते थे। अब मुझे बताओ हमारे भूत में किसको इंटरेस्ट हो सकता है? ध्यान से सुनना बाबा, किसी भी व्यक्ति को हमारे भूत में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता है, लेकिन हम उनके भविष्य की बात नहीं सोचते, अपने ही भूत को उनके ऊपर लादते हैं। इसी को कहते हैं ईगो। इसीलिए लेसर यू टॉक अबाउट योर पास्ट, लेसर इज योर ईगो। मोर यू टॉक अबाउट योर पास्ट, मोर इज योर ईगो। इसीलिए यहां कहते हैं आता अहंकराची शांति करा, शांति करा तुम्ही ममता नसावी। अपने जीवन में किसी से भी कुछ भी मत बोलो, और यदि पूछते हैं लोग तो क्या करो, झूठ बोलो। हम झूठ बोलने में उस्ताद हैं। हमको एक बार किसी ने पूछा, इससे बोलने में हमारे आ जाता है, हमारे पंजाब की बात है, तो एक पंजाबी अम्मा आई, बोले स्वामी जी आप पंजाबी है मुझे पहले ही लगा, और आपने भी कहा हमारे पंजाब में, तो आप कहां के हैं? तो मैं पूछा अम्मा आप कहां के हो? हाँ जी मैं तो अमृतसर की, और मैं जलंधर का हूं। फिर दूसरी जगह बलफ मारी कि हमारे महाराष्ट्र में, तो एक मराठी अम्मा आई, स्वामी जी मुझे लगाई कि आप बम्बई च होता है, मुझे लगाई कि आप बम्बई के महाराष्ट्र के हो, मराठी होना, मराठा होना। तो हमने कहा हाँ, तो आप कहां के हैं? आप कहां के? स्वामी जी मैं सोलापुर की हूं, मैं कोल्हापुर का हूं। दोनों पूरी है और कोई फर्क नहीं। ऐसा मैंने एक को बताया पंजाबी, एक को बताया मराठा। अब मुझे किसी ने पकड़ लिया, झूठ कब तक बचेगा? तो स्वामी जी एक बार तो आपने कहा पंजाबी, एक ने बार आपने कहा मराठा है, असल में आप क्या? सच सच बताओ। हमने कहा हम पराठा है, पंजाबी बाप मराठा मां, दोनों का क्रॉस पराठा। उसके बाद पब्लिक ने हमको पूछना छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर चीज को लेकर के आप बंगाल में चले जाओ और बंगाली मत बोलो तो मुश्किल हो जाएगी। हमार बंगला, हमार बंगला। अरे बाबा बंगाली में गाली खाने से ये गुजराती में दाल पी लो मीठी होगी। इसीलिए महत्व अपने ममता का त्याग करने का है, और ये ममता ऐसी जबरदस्त हो जाती है। अभी हम कल परसों गए थे अपने कुसुम बेन के यहां, उनका पोता है ध्यान, बड़ा प्यारा लड़का है। तो मैं ऐसे उससे खेल रहा था, मैंने उसको कहा कि तुम्हारा नाम क्या? ध्यान माने आगे पीछे को होता है ना, कोई है चौधरी है या कोई मिश्रा है या पारिख है, कौन हो आप लोग? इतना सा छोटा सा बच्चा, उसको क्या मालूम होता है? स्वामी जी वी आर कच्ची लोहाना। अब देखो मैंने बोला कच्छ को देखा है कि, लेकिन हम उसको ऐसा पकड़ के रखते हैं, और इसी को कहते हैं ईगो। इसीलिए कहते हैं हां शांति करा तुम्ही ममता नसावी, अपने आप को सबसे अलग मत करो। फिर अंतरी असावी भूत दया, सबके प्रति हृदय में स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। कौन कहां का है कैसा, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत हो गया तो समझ लेना हमने अपने ईगो से अपने आप को बचाया है। भूत दया ठेवी तया काय उणे, प्रथम साधन हेची असे, असे जे साधन जया चित्ती वसे, माया जाळना से तुका म्हणे। तो सबके प्रति स्वाभाविक कंपैशन, स्वाभाविक प्रेम दया। देखो दया का अर्थ ये मत करना कोई आदमी भूखा है, और इसीलिए जो सूखा काला जला खा रहा है जाकर के दया, अरे 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 कितना गंदा खा रहे, मत खाओ फेंक दो इसको, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। तो उसने वो फेंक दिया। हाँ बाबू जी अब मैं क्या खाऊं, मुझे क्या मालूम, पहले कम से कम वो कूड़ा कर खा तो रहा था।
देखो, दया का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति को हीन नहीं लेखना है। दया का तात्पर्य है दूसरे की सेवा करने की सहज प्रवृत्ति को दया कहते हैं। इट इज नॉट ओनली लिप सर्विस। इसलिए जिसने अपने जीवन में यह भूत दया प्राप्त कर ली है, यही सबसे बड़ा साधन है। असे जे साधन दया जित्ती वसे माया जाड़ना से तुकामणे, उसके जीवन से ये माया का जो चक्कर है हमेशा के लिए मिट जाएगा। माया का चक्कर क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, जहां भी गए एकदम अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, ये मेरा, ये उसका, ये इसका, ये उसका। इसी के कारण दुखी होते हैं। यदि आपको ग्रुपों से बचना है तो अकेले रहो। देखो, सांप, सिंह और साधु हमेशा अकेला रहता है। मंडली लेकर की कोई जरूरत नहीं है। जितने मंडली में फंसोगे उतने और महामंडल तैयार होंगे वहां, और फिर उसी में पूरा जीवन चला जाएगा। इसीलिए अपने हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। इसके लिए एक आपको टेक्निक बता दे साधना की। साल में एक बार मियां बीबी अलग अलग, कभी मियां बीबी ने साथ साथ सत्संग में या किसी तीर्थ क्षेत्र में नहीं जाना है। ये वहां जाने के बाद वही अपना मियां कहता है, अरे मेरा वो लंगोटी कहां है, लंगोटी कहां है, कोई चीज में छोड़ के आए। वहां भी जाकर के वही बात, कम से कम एक आध बार तो अलग रह के देखो। तो वहां जाओ, ऐसे स्थान पर जाओ जहां आपको कोई नहीं पहचानता, चिट्ठी लिख करके रिजर्वेशन करके नहीं, वहां चले जाओ। वहां जाने के बाद वहां का जो होगा इंचार्ज धर्मशाला को आपको देखेगा, लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, अंग्रेजी झाड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर हमारा अंकर आता है, तुम्हारे जैसे 25 खरीद के रख सकता हूं। देखो आदमी को कैसा अहंकार आता है। इसीलिए भैया, इस जगत में विशेष बनकर के ना रहे, सबके साथ सहजता से रहे। और माया जाड़ना से या नामे करूनी प्रीति चक्रपाणी असोद्यावी। तो इस माया जाल के ऊपर जाने के लिए भगवान कहते हैं सातवें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। एक ही भगवान कृष्ण को लेकर के कितने संप्रदाय बने। और वो भगवान कृष्ण यदि आएगा तो पहले हम पूछेंगे, डू यू बिलीव इन अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत और द्वैत प्लिस्टे। उसी भगवान कृष्ण को हम पूछेंगे, मधुर वेदांत को बिलीव करते हो कि पुष्टि मार्ग को? और भगवान कहेगा, देखो मेरा तो कोई मार्ग है ही नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, फिर हट जाओ यहां से। भगवान कहती, भाई मेरा संप्रदाय नहीं, मेरा मार्ग नहीं, क्योंकि मैं ही सब मार्गों का लक्ष्य हूं। देखो हमारे जो झगड़े होते हैं ना, ये इस चक्कर में होते हैं, प्रभु को भूल गए और झाड़ू लगाने लग गए रास्तों पर, मेरा मार्ग श्रेष्ठ तुम्हारा मार्ग कनिष्ठ। इस यही माया है। तो माया जाड़ना से या नामे करूनी, जो भगवान का नाम अखंड चलता रहे, जितना भगवान का नाम अखंड चलता रहे, आपको एकदम नशा चढ़ जाती है। जिसको भगवान के नाम की नशा चढ़ गई है, उसको जगत के वस्तु व्यक्तियों की नशा नहीं चढ़ सकती। एक बार हरिद्वार में एक सभी बाबा जी लोगों ने एक ऐलान किया कि जो जो बाबा जी बीड़ी गांजा तमाकू विस्की पी करके नशा करते हैं, उन बाबा जियों को अपने मंडली से हटा दिया जाए। और एक अवधूत महाराज थे, नंग धड़ंग, सब पीते थे, खाते थे, मस्त रहते थे। उनके पास गए, बोले मैं साइन करूंगा एक शर्त पर और मैं छोड़ भी दूंगा, पहले नशा शब्द का अर्थ समझाओ। बोले आदमी को केवल दारू पीने से, गांजा पीने से ही नशा नहीं होती,
अपने सौंदर्य का नशा होता है, अपने ज्ञान का नशा होता है, अपने कितने मेरे आश्रम है उसका नशा होता है, हम इसके हेड है उसका नशा है, हम उसके टेल है उसका नशा है। देखो तो किसको किसको तुम दुनिया के बाहर निकालोगे। सभी जगत की नशा को यदि हटाना हो तो प्रभु के नाम की नशा को जागृत करो, सब नशा अपने आप खत्म हो जाएगी, नशाबंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रीति चक्रपाणी असोद्यावी, भगवान के प्रति हृदय में प्रेम रहने दो। असोद्यावी प्रीति साधु चे पाया से कदा कीर्तनासी सोडू नए। और भगवान के प्रति यदि प्रेम करना है तो भगवान के प्रति ले जाने वाले जो साधु संत है उनके प्रति मन में प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हैं नारद जी नारद भक्ति सूत्र में, तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान और उसके भक्त इनमें कोई भी भेद नहीं होता। और इसीलिए जो साधु संत परमात्मा को छोड़ करके और किसी भी विषय का चिंतन प्रतिपादन करते हैं तो अपने आप को बचा के रखो। जैसे डॉक्टर लोग पल्स के बहाने पर्स देखते हैं, उसी प्रकार से बाबा जी लोग हृदय में भगवान को बिठाने के स्थान पर जेब में हाथ डाल के है और देखते कितना कीमत का है, उसके अनुसार स्पेशल ट्रीटमेंट। सत्य है प्रभु, यही सत्य है। इसलिए असोद्यावी प्रीति साधु जे पायासी कदा कीर्तनासी सोडू नए। कभी भी अपना कीर्तन नाम स्मरण है उसको कभी नहीं छोड़ना है। हम आपको एक बात बताए, बिहार के अनेक जो लेबर है, आसाम की बात है, वहां कुछ बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था और ये लोग गए वहां काम करने के लिए, मिलिट्री का प्रोजेक्ट कोई कंस्ट्रक्शन था। तो वो लोगों ने इनको बताया, देखो यदि आप लोग रात को भी काम करोगे तो आपको दुगुना मिलेगा पैसा, समझो रोज का 100 रूपये पर डे है, रात को भी करो तो 200 मिलेगा और पीने को दारू मिलेगी ताकि ज्यादा काम हो जाएगा। लेकिन ये बिहारी भाई कहते वो नहीं होगा अपने से, बोले क्या करोगे क्या करोगे, वो तो हमारे भजन का समय है, हमारे जीवन की जो पूंजी है ये आपके पैसे नहीं है, ये तो हमारा जो नित्य निरंतर भजन कीर्तन चलता है, ढोलक लेके बैठते हैं और मस्ती में चार चार छह छह घंटे गाते रहते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में जो स्वाभाविक आनंद है वो प्रकट होता है। सोडू नए कीर्तन पुराण श्रवण मनन निज ध्यासन साक्षात्कार। इसलिए जीवन में नाम संकीर्तन का कभी त्याग न करे और फिर पुराण श्रवण शास्त्रों का श्रवण करे, श्रवण करने के बाद उसका मनन करे, मनन करने के बाद अखंड प्रभु के प्रति प्रीति जागृत होगी और उसके बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार धालिया सहज समाधि तुकामणे उपाधि गेली त्याची। जिसको प्रभु का साक्षात्कार हो गया उसके जीवन में सहजता आ जाती है, जैसे गंगा जी का जल सहज दौड़ता है समुन्दर की तरफ, उसको गियर नहीं बदलना पड़ता। उसी प्रकार से ऐसे संत के जीवन में ऐसी सहजता आ जाती है कि किसी के अच्छे कहने से फुदकते नहीं, किसी के बुरे कहने से दुखी नहीं होते। जिसने अपने मन के समत्व को टिकाए रखा है उसी को परमात्मा की प्राप्ति है। शीतोष्ण सुख दुखेशो जितात्मनहा, जीवन के सुख दुख के कारण जिसके मन पर कोई प्रभाव नहीं होता, मानापमानयो प्रशांतस्य, मान अपमान के द्वारा जो कभी भी विचलित नहीं होता, परमात्मा समाहितः, उसको परमात्मा मिल चुका है। इस प्रकार से यहां तक हमको तुकाराम महाराज ने सभी साधना की प्रक्रिया इत्यादि बताई। अब कल इसको हम पूरा करेंगे। अभी समापन का समय आया। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा।